ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मीमांसा दर्शन की 105वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 12वां अधिकरण हम देख रहे थे और उसमें 27वें सूत्र के भाष्य को देख रहे हैं। तो विषय था हमारा वारवंती आदि जो कुछ वर्णन मिलते हैं ये कर्मांतर हैं, यानी भिन्न कर्म हैं, ये गुण के साथ फल को नहीं जोड़ा गया है, पहले वाला ही कर्म अनुवाद रूप में प्राप्त हो रहा है ऐसा नहीं है, ये भिन्न कर्म है, नया कर्म है, ऐसा सिद्धांति का पक्ष है। इसमें भी चर्चा आगे और चलेगी, तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 506। हाँ, इसमें भाष्य की पहली पंक्ति, तेवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोमः तस्य, इसकी जो हिंदी व्याख्या की है वहाँ त्रिवृत तोम वाला अग्निष्टोम, अग्निष्टोम साम वाला अग्निष्टुत नाम का कर्म है, तो यहाँ अग्निष्टुत नाम का कर्म बता रहे, लेकिन भाष्य की जो पंक्ति है उसमें अग्निष्टुत बीच में है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अग्निष्टोम मुख्य कर्म है। हाँ, इसमें बीच में तो है, भले ही त्रिवृत एक शब्द है अलग, अग्निष्टुत अलग शब्द है और अग्निष्टोमः ये अलग है, तस्य को तो आगे लेना है। त्रिवृत अग्निष्टुत अग्निष्टोमः यहाँ अल्प विराम है, तो अग्निष्टुत ये कर्म का नाम है, अग्निष्टोम ये साम का नाम है और त्रिवृत ये स्तोम का नाम है, तो त्रिवृत स्तोम वाला अग्निष्टोम साम वाला जो अग्निष्टुत है वो अग्निष्टुत। अग्निष्टुत कैसा है? अग्निष्टुत के दोनों विशेषण हैं, त्रिवृत और अग्निष्टोमः, ये अग्निष्टुत के विशेषण है, अग्निष्टुत ही कर्म का नाम है। ये तीनों प्रथमांत हैं, तो उस दृष्टि से आगे पीछे कथन लेंगे यहाँ। और पृष्ठ संख्या 507 हाँ, इसमें जो चौथा अनुच्छेद है अंतिम अनुच्छेद, हाँ, उसकी पहली पंक्ति जो इसी विषय में कहा, हाँ, अग्निष्टोप संस्थाक चह अग्निष्टुत याग तांडे ब्राह्मण में विहित है। हाँ, तो यहाँ ऐसे पढ़ने से भी ऐसा लग रहा है जैसे कि अग्निष्टोम में 6 अग्निष्टुत याग होते हैं। नहीं नहीं, अग्निष्टोम संस्थाक, संस्थाक का मतलब ये होता है कि जिनसे जिसमें अग्निष्टोम से समाप्ति की जा रही है, अग्निष्टोम साम से जिसकी समाप्ति की जा रही है, अंत किया जा रहा है, ऐसे 6 अग्निष्टुत याग हैं। याग कौन है? अग्निष्टुत, अग्निष्टुत याग, तो याग का ही नाम मुख्य है यहाँ पर, याग ये कर्म का नाम हुआ, अग्निष्टुत याग है यानी कर्म है, और अग्निष्टोम संस्था है, अग्निष्टोम साम है। ठीक है, ठीक, तो ये अग्निष्टुत याग है, याग का नाम अग्निष्टुत है। हाँ, ओ पृष्ठ 506 पे, हाँ, भाष्य की ये जो ऊपर की जो दो पंक्तियां हैं त्रिवृत, हाँ, अग्निष्टुत वाली, ये एक बार और कृपया करके पुनः स्पष्ट कर दीजिए। तो देखो, अग्निष्टुत तो याग का नाम है, कर्म का नाम है, उसमें त्रिवृत स्तोम वाला अग्निष्टोम नामक सामगान किया जाता है, ठीक है, वो अंत में पढ़ा जाता है, और उसका तस्य मतलब उस अग्निष्टुत का, अग्निष्टुत जो कर्म है उसमें वायव्यासु एक विंशम अग्निष्टोम साम, इसमें वायु देवता वाले, वायवीय वायु देवता वाली, वायव्य मतलब वायु देवता वाली, एक विंश ये भी स्तोम का नाम है, जैसे त्रिवृत स्तोम था ऐसे एक विंश स्तोम होता है, स्तोम का नाम है, उसमें एक विंश स्तोम वाली अग्निष्टोम साम को करके यानी बोल के इससे पूरा करेंगे उसको। साम कौन सा? अग्निष्टोम साम जो है वो
करके ब्रह्मवर्चस्व कामो यजेता, जो ब्रह्मवर्चस्व की कामना वाला है वो इस प्रकार से यजन करे। किस प्रकार से? वायव्यासु एक विंशिम एक विंशम अग्निष्टोम साम कृत्वा, ये इस तरह कैसे करना, ये परिवर्तन है प्रकृति से, ये करें, एक याग हो गया। और यदि पशु काम वाला हो तो उसमें फिर परिवर्तन किया है, रेवतीशु रेवती ऋचाओं में, रेवती नाम की ऋचाओं में वारवंतीय साम, वारवंतीय नामक साम, अग्निष्टोम साम, वारवंतीयम अग्निष्टोम साम करके, जैसे ऊपर अग्निष्टोम साम था एक विंच, यहां पर वारवंतीय अग्निष्टोम साम करना है, ऐसा करके पशु कामो ही एते ने यजेता, जो पशु की कामना वाला है उससे यजन करे। जी इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि स्तोम में साम करके, साम में स्तोम होता है। अच्छा, साम में स्तोम, तो जी साम गान होते हैं, वो अनेक प्रकार से होते हैं। साम गान तो एक गान हो गया पूरा, उसमें जब एक मंत्र लेकर के फिर दो और मंत्र लिए जाते हैं, ये तीन मंत्रों पर गाया जाता है और उसको तीन तीन बार करके किया जाता है और उसके क्रम अलग अलग होते हैं, तो ये जो अलग अलग क्रम से बोला जाता है वो स्तोम कहलाता है। अब वो स्तोम अलग अलग होते हैं, त्रिवृत्त में तीन 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 बार लेकर के तो नौ हो जाते हैं, वैसे नौ मंत्र हो जाते हैं, तो ये त्रिवृत्त नाम का स्तोम है, ये सामगान के अंतर्गत आता है। एक विंश है ये भी सामगान के अंतर्गत ही आता है, ये उसके प्रकार हैं कि स्तोम कौन सा ले रहे हैं हम, किस तरह से कर रहे हैं, और उसमें जो मंत्र लिए जा रहे हैं जिन मंत्रों के ऊपर सामगान किया जा रहा है वो मंत्र अलग अलग हो सकते हैं। तो सामगान के लिए कहा जाता है ऋच्यध्यूढ़ सामगीयते, ऋचा पे अध्यूढ़ ऊपर, ऋचाओं के ऊपर सामगान किया जाता है, तो जो वाक्य हैं पंक्तियां हैं वो ऋचाएं होती हैं, वो उसी पे सामगान गाया जाता है। गीत गाएंगे तो कोई ना कोई पंक्तियां तो होंगी ना, तो ऋचाएं होती हैं, यहाँ पर ऋग्वेद के मंत्र होते हैं, ऋक मंत्र होते हैं, तो ऋच्यध्यूढ़ सामगीयते, वो ऋचाएं कौन सी हैं वो अलग अलग हैं। इन्होंने कहा वायव्यासु, वायु देवता वाली ऋचाएं होती हैं, वायु देवता वाली तो ऋचाएं होंगी, और उसमें एक विंश अग्निष्टोम साम किया जाएगा, एक विंश स्तोम वाला अग्निष्टोम सामगान किया जाएगा। दूसरे के अंदर क्या कह दिया, रेवती संजक ऋचाओं में, रेवती शब्द वहां पर होगा, रेवती संजक ऋचाओं में वारवंतीय साम अग्निष्टोम साम वहां पर किया जाएगा। बस ठीक है, और कोई पूछे? मीमांसा दर्शन के विषय में महर्षि दयानंद का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में एक प्रमाण मिलता है जिसको मैं उद्धृत कर रहा हूं अभी। ये अभी शाबर भाष्य के प्रथम भाग के श्रौत यज्ञ मीमांसा के पृष्ठ 121 में युधिष्ठिर मीमांसक जी ने उद्धृत किया है, इसकी हिंदी व्याख्या में पढ़ता हूं। इसीलिए युक्ति से सिद्ध वेदादि प्रमाणों के अनुकूल और मंत्रार्थ का अनुसरण करने वाला उन अर्थात शाखा ब्राह्मण श्रौत सूत्र पूर्व मीमांसा में कहा गया विनियोग ग्रहण करने योग्य है। क्या निकला इससे? इससे ये तात्पर्य निकला कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं श्रौत सूत्र और पूर्व मीमांसा में जो बात वेद के अनुकूल हो वो ग्रहण करनी है और जो वेद के प्रतिकूल हो वो त्याज्य है। तो महर्षि ने एक प्रसंग आता है भाई, यहाँ पर कुछ पशुवध और इस तरह की बातें और कुछ गलत बातें जो वेद के विपरीत लगती हैं उनका क्या करें। एक तरफ महर्षि ने मीमांसा दर्शन को प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया और यागों को भी प्रस्तुत किया कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत याग होते हैं, तो उनका नाम उल्लेख करने से प्रथम दृष्टया ये प्रतीति होती है कि महर्षि को ये सब यथावत स्वीकार्य थे, ऐसी प्रतीति कोई ले सकता है। तो उसका स्पष्टीकरण ये साथ में जुड़ेगा कि ये महर्षि को स्वीकार्य तो हैं, ये ग्रंथ भी स्वीकार्य हैं, लेकिन इनमें से जो चीज़ें वेद से विरुद्ध हैं वो स्वीकार्य नहीं है,
जो तर्क युक्ति से विरुद्ध है वो स्वीकार्य नहीं है। तो इससे मैथिली का एकदम स्पष्ट हमें पता लग जाता है, तो इसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। वेद विरुद्ध जो बातें यहां लिखी हुई हैं वो छोड़ने योग्य हैं। महर्षि का तो ये शुरू से ही स्पष्ट है और सभी जगह से ये स्पष्ट है, जो वेद को सबसे उच्च प्रमाण मानते हैं, ऋषिकृत ग्रंथों को परतः प्रमाण मानते हैं, यानी वेदानुकूल हैं तो मानते हैं, नहीं तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, वो अमान्य हो जाएंगे। और अपने को भी उन्होंने उसी कोटि में रखा है कि मेरी बात भी यदि वेद और ऋषियों के विपरीत हो तो उसे असत्य माना जाए, उसको स्वीकार नहीं किया जाए, ये उनकी कसौटी पहले से रही है। और इसमें महर्षि ने कभी भी शास्त्र को नहीं छोड़ा है, शब्द प्रमाण को नहीं छोड़ा है, उसी को प्रमुख माना है, क्योंकि वेद ईश्वर कृत हैं, इसलिए वो सबसे बड़े प्रमाण हैं। महर्षि ने व्यक्ति विशेष को कहीं पर भी नहीं कहा है, इस व्यक्ति का कथन प्रमाण है, व्यक्ति को लेकर के नहीं कहा है। व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे अगर वो शब्द प्रमाण के विपरीत है तो स्वीकार्य नहीं है, सृष्टि क्रम के विपरीत है तो वो स्वीकार्य नहीं है। वो प्रमाण कसौटियां दी हैं उन्होंने, पांचों अलग अलग स्तर की कसौटियां हैं। हाँ, जो महर्षि की बात को समझते नहीं है, महर्षि की बात को वैसे तो मानते हैं महर्षि को, लेकिन उस तरह से नहीं स्वीकार करते, वो व्यक्ति विशेष की बात को उद्धृत करने लग जाते हैं, अपने से पूर्व के बड़े विद्वानों को, महापुरुषों को उद्धृत करने लग जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा इसलिए ऐसा ही होगा, इस व्यक्ति ने ये कहा है, देखो ये इतने बड़े विद्वान हुए, ये इतने बड़े शास्त्रार्थ महारथी हुए, उन्होंने ये कहा है, तो इसलिए वो प्रमाण रूप में मानते हैं। और उनके सामने अगर शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए, दर्शन का प्रमाण, वेद का प्रमाण, तो उसको एक तरफ कर देते हैं, कहते नहीं ये कोई प्रमाण नहीं हुआ, बोले हमारे पहले के सारे विद्वान ऐसा ही मानते आए हैं। उनके लिए व्यक्ति मुख्य हो जाता है, शास्त्र मुख्य नहीं होता है। ये शैली महर्षि दयानंद की नहीं रही है, ये व्यक्तिवाद है। महर्षि ने तो व्यक्तिवाद का निषेध किया है, व्यक्ति की बात तभी स्वीकार्य होगी जब शास्त्र के विपरीत होगी, अनुकूल होगी, विपरीत बात स्वीकार्य नहीं होगी। पर जब शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता है, शास्त्र की शैली से नहीं पढ़े होते हैं और बस विद्वानों से ही या अन्य सामान्य पुस्तकों को पढ़ पढ़ करके ही विद्वत्ता बनाई हुई होती है, तो व्यक्ति उन्हीं को ही सबसे मुख्य मानता है। फला व्यक्ति ने ये कहा, फला व्यक्ति ने ये कहा, फला सन्यासी ने ये कहा, फला योगी जी ने ये कहा, वो व्यक्ति पे केंद्रित हो जाते हैं। तो महर्षि की तो ऐसी शैली बिल्कुल भी नहीं रही है, वो महर्षि का नाम लेते हैं लेकिन महर्षि के अनुरूप प्रमाणों का प्रयोग नहीं करते। व्यक्ति कहीं नहीं होता है, शास्त्र का प्रमाण आ गया तो व्यक्ति कहीं नहीं होता है, व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है वहां पर उस समय में देखने के लिए। इसके अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ 122 पर एक प्रमाण और उद्धृत किया है, संस्कार विधि का है। इसमें महर्षि लिखते हैं, जो ब्राह्मण व सूत्र वेद विरुद्ध हिंसा परक हो उनको प्रमाण न करना। एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, युधिष्ठिर जी ने इन सब बातों को उद्धृत किया है, वो उसी मंतव्य को लेकर के चलते हैं। उन्होंने जगह जगह निषेध कर दिया है, हिंसा का निषेध है, हिंसा स्वीकार्य नहीं है। इतना अच्छा स्पष्टीकरण करने के बाद अब हर जगह वो इस बात को नहीं लिखेंगे, ये शैली है उनकी। कहीं जैसा भाष्य में जैसा आया है, सूत्र में जैसा आया है, जैसा वचनों में मिला, वो वैसा का वैसा अनुवाद कर देंगे। उसको देख करके उनके हिंसा का समर्थक मान लेना ये ठीक नहीं है, वो छोड़ देना चाहिए वैसा। ठीक है, तो आगे का पाठ देखेंगे, पृष्ठ संख्या 509। तो सिद्धांति का हमने देखना शुरू किया था 27वें सूत्र में, समेषु कर्म युक्तम स्यात्। भले ही ये वाक्य समान दिख रहे हैं लेकिन यहां पर जो फल है वो कर्म से ही युक्त होगा, इसकी विवेचना इन्होंने की थी। और कि यदि यहां पर गुणों का विधान माना जाए और गुणों से फल को जोड़ा जाए, यानी कर्म पीछे से लेकर के आए, तो वाक्य भेद होगा, अनेक चीजों का अलग अलग विधान मानना पड़ेगा, ये दोष दिखाया था।
तो तीसरी पंक्ति से अब प्रारंभ करते हैं। अथ उच्चेता, एक तरह से दोष दिखा के, वाक्य भेद का दोष दिखा करके अब आगे ये कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं कि अगर पूर्व पक्षी ये कहे तो, अगर पूर्व पक्षी इस तरह से अब समाधान करना चाहे बदल करके कि चलो पिछले में दोष आ गया तो मैं ऐसे बोल दूंगा तो दोष नहीं रहेगा, तो ऐसे अथ उच्चेता, अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे कि अस्या पूर्वा रेवतिर उपादाय तासुच बारवंतियम कृत्वा, इसके इस अस्य अपूर्वा रेवतिर उपादाय, अपूर्व रेवती का उपादान करके, अपूर्व मतलब जिसको पहले नहीं कहा गया है, प्रकृति में पूर्व वाले कर्म के वाक्य में नहीं कहा गया है, यहां पर नए सिरे से कहा गया है, अपूर्व अपूर्वा रेवती को लेकर के, और तासुच बारवंतियम कृत्वा, उन रेवती ऋचाओं पर वारवंतीय साम करके, एतेने यजेत इति अनुवदति, एतेने यजेत, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, एतेने यजेत इति अनुवदति, ऐसा फिर उसके साथ पश्चात कथन करते हैं। या अनुवदति का मतलब अनुवाद नहीं है, अनुवाद मतलब पीछे से आ रहा है, उसके पीछे पीछे ये कहते हैं, यहां पर बस पश्चात कथन करते हैं। इति तथा इस प्रकार से अग्निष्टोम साम इति नावकल्प्येता, तो अगर कोई ऐसा कहता है, इस तरह से अर्थ करना चाहता है, तो बोले ऐसा करने पर अग्निष्टोम साम, अग्निष्टोम साम को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अग्निष्टोम साम ये पाठ न अवकल्पेता, यहां इस वचन में संगत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से अर्थ करते हुए अग्निष्टोम साम शब्द को छोड़ दिया, जबकि इस वाक्य में अग्निष्टोम साम भी लिखा हुआ है, ये जो बारवंती है ये अग्निष्टोम साम के साथ जुड़ा हुआ है, ये यहां पर संगत नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा, दोष दिखाया। और अगर कोई यूं कहे अथ अग्निष्टोम साम कार्य भवति इति उच्यते, अल्प पूर्ण विराम को हटा करके अल्प विराम ले लीजिए, अगर कोई कहे कि अग्निष्टोम साम के कार्य में ये कहा जाता है, तो एतस्यैव इत्येतत् अविवक्षितम् स्यात्, तो एतस्यैव इसी का, ये जो एतस्यैव वहां पर शुरू में मिलता है वाक्य के, एतस्यैव रेवतीषु, तो एतस्यैव ये जो कथन है ये अविवक्षित हो जाएगा, ये छूट जाएगा, यानी अग्निष्टोम साम को उसके साथ जोड़ करके करते हैं तो एतस्यैव छूट जाएगा, और एतस्यैव अगर लेकर के करते हो आप कि जिससे पीछे वाले कर्म से जुड़ जाएगा, तो अग्निष्टोम साम आपका छूट जाएगा। उभयस्मिन् विवक्ष्यमाणे भित्तेत वाक्यम, और अगर आप दोनों की विवक्षा करोगे, दोनों को कहना चाहोगे, दोनों कौन कौन से हुए, एक तो एतस्यैव और दूसरा अग्निष्टोम साम, इन दोनों को यदि आप कहते हो तो वाक्य भेद हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें आपको विधि करनी पड़ेंगी, तस्मात कर्मांतरम, इसलिए इसको कर्मांतर मानना चाहिए, उसी कर्म का कथन नहीं मानना चाहिए। आगे तो जब पूर्व पक्षी के मत में वाक्य भेद दोष बताया, सिद्धांती ने कहा कि यहां कर्मांतर मानेंगे, तब पूर्व पक्षी पूछ रहा है, आक्षेप कर रहा है एक तरह से, कथम कर्मांतरे वाक्य अथ कर्मांतरे कथम अवाक्य भेद, कि कर्मांतर मानने पर वाक्य भेद कैसे नहीं है यहां पर, अर्थात इसमें भी वाक्य भेद होगा, आपने मेरे पक्ष में वाक्य भेद बताया था, आप कर्मांतर मानोगे तो वाक्य भेद तो तभी भी होगा। तो इसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है, रेवतीषु रिक्षु वारवंतियम साम कृत्वा पशुकामो यजेता, यहां पर वाक्यार्थ बोध क्या बनेगा, रेवतियों में, रेवती रिक्षु यानी ऋचाओं में वारवंतीय साम को करके पशु काम यजन करे, इति अपूर्वो याग सर्वैर विशेषणैर विशिष्टो विधीयते, तो यहां पर जो ये याग है ये अपूर्व याग का विधान किया जा रहा है और सब विशेषणों से विशिष्ट करते हुए विहित किया जा रहा है, तो गुण विशिष्ट विधि मानी जाएगी, इसलिए एक ही विधान होगा, वाक्य भेद नहीं होगा। तेना इससे क्या होगा, ऐसा अर्थ करेंगे तब एकार्थत्वम, पेरेफ ले लीजिए, एकार्थत्वम या अल्प विराम ले लीजिए, विभागे च साकांक्षत्वम, और विभाग होने पर साकांक्षता, इति एक वाक्यत्वम उपपद्यते, इस प्रकार एक वाक्यता आ जाती है। एक वाक्यता के लिए दो ही शर्तें थी, एक तो एकार्थता अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, और दूसरा विभागे च साकांक्षत्वम, ये दोनों चीजें यहां पर घट जाएगी, तो ये एक ही वाक्य होगा, वाक्य भेद नहीं होगा। अपूर्व पक्षी वाक्य भेद दिखाने का प्रयास कर रहा है, ननु अर्थ भेद, भाई यहां तो अर्थ का भेद है, ठीक है विभाग करने पे साकांक्ष हो रहा है ये तो बात घट रही है, लेकिन
अर्थैकत्व नहीं है, तो अनेक अर्थ हैं। तो कहना नु अर्थ भेद, अर्थ का भेद है, यानी अनेक अर्थ हैं। कौन कौन से? यागश्चैवम ही अपूर्व कर्तव्य है, बोले अपूर्व याग करना चाहिए, एक तो ये अर्थ आ गया। और रेवतीशु वारवंतीयम अपूर्वमिति, और रेवती ऋचाओं में वारवंतीय साम, ये भी अपूर्व का कथन किया गया, तो दो दो कथन हो गए, दो अर्थ हो गए। इस पर सिद्धांती कहता है नाति ब्रूमा, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? निर्वृत्त वारवंतीय रेवती गुण को यागो विधीयते, बोले यहां पर याग का विधान किया जा रहा है, लेकिन कैसा? जो वारवंतीय रेवती गुण वाला संपन्न हो चुका है, ऐसे याग का विधान किया जा रहा है। निर्वृत्त मतलब उससे युक्त, उसके जुड़ करके, उससे जोड़ करके, उससे विशिष्ट यहां पर याग का विधान किया जा रहा है। तो निर्वृत्त वारवंतीय रेवती गुण को यागो विधीयते, न वारवंतीय निर्वृत्ति। वारवंतीय की विधि नहीं की जा रही है यहां पर, वारवंतीय को यहां पर लगाया नहीं जा रहा है, कि उसका विधान नहीं किया जा रहा है, तो उसको सिद्ध करो, उसको सिद्ध करके याग को सिद्ध करो, उससे सीधे उससे विशिष्ट करके बताया जा रहा है। और ऐसा अगर कहेंगे तो एक दोष आ सकता है कि रेवती में वारवंतीय को कैसे जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं अर्थात रेवतीशु वारवंतीयम अभिनिर्वर्त्यति, बोले सब इसकी इसकी निर्वृत्ति कैसे हुई, विधान कैसे हुआ, तो बोले ये तो तात्पर्य से ही आ जाएगा, अर्थापत्ति से ही आ जाएगा कि रेवती में वारवंतीय घटेगा और फिर उससे याग किया जाएगा। शक्यते च तन निर्वर्तयितुम, और उसको उसको ऐसे जोड़ना लगाना घटाना संभव है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्यते रेवतीनाम वारवंतीयस्य च संबंधो न विहितः स्यात्, बोले आप जिस तरह से अर्थ कर रहे हो कि रेवतियों में वारवंतीय को लेकर के पशु काम याग करे, ये जो आपने एकार्थता बताने के लिए कहा है, तो इसमें रेवतियों का वारवंतीय के साथ में संबंध नहीं हो पाएगा, कि रेवती के साथ में उसका संबंध हो जाए। संबंध बताने के लिए भी कुछ विधि करनी पड़ेगी, कथन होना चाहिए, वो यहाँ पर मिलेगा नहीं। आप तो सारा याग के विधान में लगा दिया, आपने याग के विधान में लग गया, इन दोनों के बीच में संबंध नहीं बन पाएगा, ये दोष बता रहा है पूर्व पक्षी। रेवती नाम वारवंती से अच्छे संबंधों न विहित स्यात, अगर आप ऐसा करते हो तो वो विहित नहीं हो पाएगा। तत्र च रेवतीषु अन्यानि अपि सामान्य भवेयु, और जब इन दोनों का संबंध नहीं जुड़ेगा, यानी विशेषण विशेषण ही बनेगा, तो रेवतियों में अन्य साम भी गाए जा सकते हैं, वारवंतीय साम ही नहीं अन्य साम भी गाए जा सकते हैं, तो ये दोष आ जाएगा। और वारवंतीयम च अन्यासु अपि ऋक्षु, और वारवंतीय साम को अन्य ऋचाओं में भी गाया जाएगा, केवल रेवतियों पर नहीं, और कहीं भी गा सकते हैं, तो खुल जाएंगे ये। आपस में यदि संबंध जुड़ गया तब तो ये इधर उधर नहीं जाएंगे, रेवतियों में ही वारवंतीय गाया जाएगा, दोनों बंध गए। वारवंतीय रेवती से भिन्न और कहीं नहीं गाया जाएगा, और रेवतियों पर वारवंतीय ही गाया जाएगा, और कुछ नहीं गाया जाएगा, दोनों जुड़ गए। और अगर संबंध नहीं जुड़ा तो दोनों खुले हुए रहेंगे, रेवतियों में वारवंतीय या और दूसरे भी गान किए जा सकते हैं सामगान, और वारवंतीय साम रेवती में भी गाया जा सकता है, कहीं और भी गाया जा सकता है, संबंध नहीं जुड़ा। संबंध जुड़ते ही तो बंध जाते हैं, फिर इधर उधर नहीं जा सकते। तो तत्र च रेवतीषु अन्यानि अपि सामान्य भवेयु, और वारवंतीयम च अन्यासु अपि ऋक्षु, ये दोष दिखाया पूर्व पक्षी ने। सिद्धांती कह रहा है नैष दोषः, बोले यहां पर ये दोष नहीं बनेगा। क्यों? तो कृत्वा इति अभिनिर्वृत्तः संबंधो यागाय उच्यते, बोले इस सूत्र इस वचन में कृत्वा एक शब्द आया है, कृत्वा करके, एतस्यैव रेवतीषु वारवंतीयम कृत्वा, कृत्वा के कारण से क्या हुआ कि अभिनिर्वृत्तः संबंध। पहली बात तो यह होगी कि रेवती में वारवंतीय करके, तो रेवती और वारवंतीय का संबंध इस कृत्वा ने जोड़ दिया, कृत्वा में जो क्री धातु है उसने जोड़ दिया क्री, और ये जो संबंध है ये यागाय उच्यते, ये याग के लिए किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी क्रिया फिर आगे कुछ करनी है, कृत्वा में पहले कुछ करके आगे कुछ और करना होता है, इस संबंध याग के साथ में जुड़ जाएगा, तो दोनों के साथ में जुड़ जाएगा। तेन संबंधो गम्यते, इससे इनका संबंध भी पता लग जाता है कृत्वा से। द्वौ अपि एतौ अर्थो कृत्वा इति एषः शब्दः शक्नोति वदितुम, इन दोनों अर्थों को ये कृत्वा एक ही शब्द कह सकता है, यानी कृत्वा शब्द ने रेवती और वारवंतीय के संबंध को भी जोड़ दिया और इनका संबंध याग से भी जोड़ दिया, अकेला कृत्वा शब्द जोड़ सकता है। कैसे? तो कहते हैं अभिनिर्वृत्तिम पूर्व कालताम च, एक तो है अभिनिर्वृत्ति,
यानी वारवंतीय की अभिनिर्वृत्ति, रेवती में वारवंतीय की अभिनिर्वृत्ति उसका होना ये भी कह रहा है। ये किससे कह रहा है? क्री धातु से। और पूर्व काल था, ये पहले के काल में हुई है, ये त्वाप्रत्यय कहता है, समान कर्तृकयोः पूर्व काल है, तो ये पूर्व कालता को कह रहा है। तो पूर्व कालता कह रहा है मतलब उसके बाद में भी कोई क्रिया होनी है, बाद से भी इसका संबंध जुड़ेगा। तो कृत्वा शब्द से ये दोनों बातें निकल के आ जाएंगी। उदाहरण दे रहे हैं लौकिक, यथा शोणम आना आनय इति रक्त गुण संबंधो अश्व शब्दे नैव आनय तो विधीयते इति। जैसे किसी ने कहा शोणम आनय, शोण को लेकर क्या हो, तो शोण शब्द वैसे तो लाल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन शोण शब्द लाल घोड़े के लिए रूढ़ी हो चुका है, लाल घोड़े के लिए शोण शब्द है। तो शोणम आनय ये कहने पर रक्त गुण वाला, रक्त गुण से संबद्ध अश्व लाया जाता है और वो ही आने वाले के लिए विहित किया जाता है कि लाने वाला जो आनयता है, आनयता आने वाले लाते हुए का, लाते हुए जो लाता हुआ व्यक्ति है, जो मतलब ला रहा है, वो क्या लाएगा? लाल घोड़े को लेकर के आएगा। तो ये दोनों अर्थ लाल भी और घोड़ा भी उसी शब्द से निकल करके आ जाते हैं। न वाक्य भेदो भवती और वाक्य भेद भी नहीं होता है, एवं मत्रा भी दृष्टव्यम, इसी तरह से यहां भी समझना चाहिए। आगे पूर्व पक्षी फिर वाक्य भेद दिखा रहा है यहां पर, ननु एवं अपि भवो अर्था। ठीक है, आपने जो बात कही, लेकिन फिर भी यहां पर अनेक बातें कही गई हैं, अनेक अर्थ कहे गए हैं। क्या क्या? रेवत्यः, रेवती ऋचाओं का विधान किया गया, वारवंतीयम, वारवंतीय साम का विधान किया गया, तत्संबंध और इन दोनों के संबंध को भी बताया गया है। संबंध कैसे बनेगा? रेवती में वारवंतीय है, ये संबंध भी बताया गया, और याग, याग का भी विधान किया गया, और पशु कामश्चैति, और पशु काम, जिसको पशु की कामना है उसका भी कथन किया गया। तो ये अनेक अर्थ कहे गए ना यहाँ पर, तो भवो अर्था, इस प्रकार भी यहाँ तो अनेक अर्थ हैं। इस पर सिद्धांति कहता है नैष दोष है, ये दोष नहीं है। क्यों? बहव श्रूयंते एको अत्र विधीयते यागो विशिष्ट। ठीक है, सुने तो बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक विशिष्ट याग ही कहा जा रहा है। विशिष्ट याग का मतलब है इन गुणों से विशिष्ट, ये सारे गुण जिसके विशेषण है, ऐसा जो याग है उस एक ही याग का विधान किया जा रहा है, तो एक ही अर्थ हुआ। इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु रेवत्योपि विधीयन्ते वारवंतीयमपि। बोले रेवतियों का भी तो विधान किया जा रहा है, वारवंतियों का भी तो विधान किया जा रहा है। क्यों? यदि न विधीय रन, यदि रेवती और वारवंतीय का विधान नहीं किया जाएगा तो नैव तद विशिष्टो याग प्रतीयता, तो याग इनसे विशेषित प्रतीति नहीं होगा। आप याग का तो विधान करोगे तो वो तो कोरा याग होगा। जब तक आप रेवती और वारवंतीय की का विधान नहीं करोगे तो याग रेवती और वारवंतीय से विशिष्ट तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए इनका भी विधान मानना पड़ेगा। न ही अभिधाय विशेषणम शक्यते विशिष्टो विधातुम, कि अगर आप इन विशेषणों का विधान नहीं करते हो तो उनसे विशिष्ट जो याग है उसका विधान भी नहीं हो सकता है। तस्मात बहुषु विधीयमानेषु नैकार्थ्यम, इसलिए यहां पर चूंकि अनेक चीजों का विधान कर रहे हो इसलिए एकार्थता यहां पर नहीं है, अनेकार्थता है। ठीक है, तो इसमें हमारे भी मन में बार बार आ जाता है कि भाई एक वाक्य है, अब गुण विशिष्ट विधि भी कही लेकिन अनेक गुण तो कहे गए हैं, विधि कर्म की भी कही गई है, गुण भी कहे गए हैं, तो अनेक बार यूं लगने लगता है कि तो अनेक चीजें यहां पर विहित की गई हैं। ऐसा ही यहां पूर्व पक्षी ने पूछा है, तो इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। अत्रोच्यते अर्थ इति प्रयोजनम अभिधीयते, यहां अर्थ का मतलब क्या है? प्रयोजन। अर्थ का मतलब ये अलग अलग चीजें नहीं है कि रेवती का भी विधान कर दिया, वारवंतीय का भी विधान कर दिया, याग का भी विधान कर दिया, ये तीन अलग अलग अर्थ हो गए। ठीक है, शब्द की दृष्टि से तो तीनों के अलग अलग अर्थ हैं, उन तीनों को यहां पर कहा जा रहा है, पहली बार कहा जा रहा है, लेकिन यहां अर्थ का मतलब है प्रयोजन। अर्थैकत्वात् एकम वाक्यम, यानी उसका प्रयोजन एक होना चाहिए इन सबका। कितनी भी चीजें नई कही गई हैं लेकिन उनका प्रयोजन अगर एक है तो ये अर्थैकत्व कहलाएगा। वहां पर भी इन्होंने अर्थ का मतलब प्रयोजन ही किया था, तो अर्थ इति प्रयोजनम अभी दिए थे, अर्थ का मतलब यहां पर प्रयोजन है। और यावंती पदानी एकम प्रयोजनम अभिनिर्वर्तयन्ती तानी तावंती एकम वाक्यम, तो जितने भी पद मिलकर के एक प्रयोजन को पूरा करते हैं वो सारे के सारे एक ही वाक्य कहलाएंगे।
कितने भी पदों सब मिल करके वो एक ही प्रयोजन को पूरा कर रहे हैं तो सब मिला करके एक ही वाक्य कहलाएंगे। न च अत्र बहुनी प्रयोजनानि, इस वाक्य में बहुत प्रयोजन तो नहीं है, एक ही प्रयोजन है। नहि अत्र अनेकस्य अभिप्रेतस्य अनेकम पदम विधायकम इति, यहां अनेक प्रयोजनों को बताने वाले अनेक विधायक वाक्य भी नहीं है, अनेक पद यहां अनेक प्रयोजनों को बताने वाले भी नहीं है, एक ही प्रयोजन को बता रहे हैं। रेवतीषु इति नैतत् केवलम रेवतीनां विधायकम, और बोले जो ये रेवतीषु शब्द है ये केवल रेवतियों का विधायक नहीं है। पूर्व पक्षी ये कह रहा था यहां पर रेवतियों का भी विधान है, वारवंतीय का भी विधान है, याग का भी विधान है, तो रेवती का विधान कहां से निकलेगा, तो रेवतीषु इनसे निकलेगा। तो सिद्धांती ये कह रहा है कि रेवतीषु इति, रेवतीषु इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, ये जो शब्द है यह केवल रेवतियों का विधायक नहीं है, रेवती का विधायक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये रेवती का विधायक होता तो यहां पर प्रातिपदिक का अर्थ में प्रथमा होती, यहां पर सप्तमी है, रेवती में, अब रेवती का विधान नहीं किया जा रहा है, रेवतीषु अगर ये विधायक होता तो प्रथमा होती, प्रथमा यहां है नहीं, सप्तमी है, इसलिए कह रहे हैं कि जो रेवती है ये एक विधायक नहीं है किसी का भी। आगे रेवतीषु वारवंतीयम इति अत्रापि, रेवतीषु वारवंतीयम इसको भी विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, अब दो शब्द ले लिए इसने, यानी रेवतीषु अकेला तो विधायक है नहीं, तो क्या कि रेवतीषु वारवंतीयम ये विधायक हो सकते हैं, तो बोले रेवतीषु वारवंतीयम इति अत्रापि, यहां पर भी पदद्वय इन दो पदों में वारवंतीय शब्दों द्वितीयांत, वारवंतीयम यहां पर ये द्वितीय एक वचन है, बोले ये भी विधायक नहीं हो सकता, विधायक अगर होता तो यहां प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होती, जिसका विधान किया जाता है उसमें प्रथमा होती है, यहां पर इसमें भी द्वितीय है, तो रेवतीषु सप्तमी है इसमें द्वितीय है, इसलिए ये दोनों ही अभी कुछ भी विधान करने वाले नहीं है, ये किसी और को संबंध जोड़ करके बोल रहे हैं। तो द्वितीयांत न अस्मात् संबंधो अभिप्रेतो गम्यते, इनमें इन दोनों से संबंध अभिप्रेत नहीं होता है। कि इनका भी विधान किया जा रहा है ऐसा अभिप्रेत नहीं होता है। आगे प्रातिपदिक अर्थ है अस्य व्यतिरेकात्, क्योंकि ये प्रातिपदिक से भिन्न अर्थ वाला है, द्वितीयांत जो अर्थ है ये प्रातिपदिक से भिन्न अर्थ वाला है, संबंध नहीं जुड़ रहा है, मतलब विधि का संबंध नहीं जुड़ रहा है ये कहना चाह रहे हैं, तो प्रातिपदिक के अर्थ में से इसका व्यतिरेक है, भिन्नता है, ये द्वितीय विभक्ति है, वो कर्म में आती है। आगे कृत्वा इत्यपि करोति करोतिर न संबंध मात्रे पर्यवसितः पर प्रयोजन संबंधम आह, और ये जो कृत्वा है ये शब्द भी इत्यपि करोतिर न संबंध मात्रे, न संबंध मात्रे पर्यवसितः, कृत्वा इस शब्द में जो क्री धातु है, करोति मतलब क्री धातु है, ये केवल संबंध मात्र में पर्यवसित नहीं है, ये केवल संबंध को जोड़ रही है, किसके, रेवतीषु वारवंतीयम कृत्वा, रेवती में वारवंतीय, इन दोनों के संबंध मात्र को कहने में नहीं है क्री धातु, फिर क्या है, पर प्रयोजन संबंधम आह, ये पर प्रयोजन के संबंध को कह रही है, इनका जो प्रयोजन है परार्थ है उस संबंध वाली है, यानी याग के संबंध वाली है, उससे जुड़ी हुई है। एवं विशिष्टस्तु यजतिर न परार्थः, इस प्रकार से जो विशिष्ट यजति है, इन सब विशेषणों से युक्त जो यजति है, अब ये परार्थ नहीं है, दूसरे के लिए नहीं है, ये सब बाकी सब चीजें उसके लिए हैं, याग के लिए है, इसलिए याग ही यहां पर विधेय है। तद एकम एशाम पदार्थानाम प्रयोजनम, तो इन सब पदार्थों का ये एक ही प्रयोजन है याग, तस्मात एक वाक्यत्वम, इसलिए एक वाक्यता है यहां पर। और यदि आप यहां पर गुण में फल मानोगे तो क्या होगा दोष, उसको बता रहे हैं, गुणे पुनः फले प्रकल्प्य माने, अगर गुण में फल को आप प्रकल्पित करो, गुण के द्वारा फल की प्राप्ति करो, ऐसा अगर मानोगे तो अग्निष्टोम सामनः कार्ये वारवंतीयम्, तो फिर अग्निष्टोम साम के कार्य में वारवंतीय का विधान यहां पर एक तो करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से चला आ रहा है, और एतस्य च यद अग्निष्टोम साम इति, और एतस्य का मतलब है ये जो अग्निष्टुत है इसका, इसमें अग्निष्टोम साम का विधान करना पड़ेगा, इति वाक्य भेद स्यात्, यहां वाक्य का भेद होगा, अग्निष्टोम साम में तो वारवंतीय को लाना पड़ेगा, अग्निष्टोम साम में तो वारवंतीय का विधान करना पड़ेगा, और याग
को अग्निष्टोम से जोड़ना पड़ेगा, ये दो दो आपको विधान करने पड़ेंगे। इति वाक्य भेद स्यात्, ऐसा करने पे वाक्य भेद होगा, इसलिए गुण विशिष्ट विधि ही यहाँ पर माननी चाहिए। तो कर्म है और कर्म का ही फल यहाँ पर पशु काम, पशु की प्राप्ति कहा गया है। तो वैसे तो अपने को यही लग रहा है कि भाई बात पूरी हो गई और सब बता दिया है सिद्धांती ने, सिद्ध ही कर दिया, लेकिन फिर भी पूर्व पक्षी और क्या क्या कह सकता है, क्या क्या आक्षेप कर सकता है, उसको उठाते हुए अब फिर से और आगे आगे समाधान कर रहे हैं। तो देखिए, अथ उच्चेता, अगर पूर्व पक्षी इसके बाद भी कुछ और बोलने लगे, क्या रेवत्यादि सर्व विशेषण विशिष्टो याग एतस्य अग्निष्टुतो विधीयेत, ये वाक्यार्थ बहुत निकाल रहा है पूर्व पक्षी। अभी तक जो बात सिद्ध हुई कि इन सब विशेषणों से विशिष्ट याग कहा जा रहा है, इसने ये तो मान लिया कि इन सब विशेषणों से विशिष्ट है ये, लेकिन उसको करते हुए भी यहां पर पहले वाला ही कर्म कहा जा रहा है, ये जोड़ रहा है पूर्व पक्षी। कैसे? देखो, रेवत्यादि सर्व विशेषण विशिष्टो याग, इन सब विशेषणों से विशिष्ट याग तो है, लेकिन वो कैसा है? एतस्य अग्निष्टुतः, इस अग्निष्टुत का वो विधान विधि विहित किया जाएगा। इस अग्निष्टुत का, कौन सा अग्निष्टुत का? जो पहली पंक्ति में कहा गया है, अर्थात ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी नया कर्म नहीं बना रहा है, पिछले कर्म को ही कथन कर रहा है यहां पर, अर्थात कर्मांतर नहीं मान रहा है। सिद्धांती जो कर्मांतर मान करके कर्म से फल कह रहा था, पूर्व पक्षी इसको कर्मांतरता क्यों, इसकी कर्मांतरता को हटा रहा है। तो इन सब विशेषणों से विशिष्ट याग भी एतस्य अग्निष्टुतो विधीयेत, क्योंकि एतस्य एव वहां लिखा हुआ है ना वाक्य में, तो इससे एतस्य एव कथन से पूर्व का परामर्श होता है, ऐसा ही तो देखते हैं संस्कृत में। लेकिन यहां देखो, उस एतस्य से भी पूर्व का परामर्श नहीं लिया जाएगा, होते हुए भी लिया ही जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि यहां पर कर्म सिद्ध हो जाता है दूसरे तरीकों से, अभी आगे बात आएगी, चूंकि यहां पर अलग से कर्म सिद्ध हो रहा है, इसलिए एतस्य एव कथन पूर्व का परामर्शक नहीं होगा, विपरीत चला जाएगा, नए का ही कथन होगा जो यहां कहा जा रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी ने क्या अभी तक क्या कह रहा है कि इतना सब विशिष्ट रेवती आदि से विशिष्ट याग होते हुए भी एतस्य चूंकि कहा गया है, तो एतस्य अग्निष्टुतो विधेयत विधीयेत, उसी अग्निष्टुत का विधान करेगा ये, तो यानी नया कर्म नहीं हुआ, अर्थात गुण का ही फल होगा। तो ऐसे में सिद्धांती क्या कह रहा है, अगर आप ऐसा कर भी लोगे तो तथापि पशु काम संबंधात विधेयत वाक्यम, तो बोले इतना आपने बोला तो इसमें पशु काम को तो जोड़ा नहीं है, इसलिए पशु काम का भी तो संबंध जोड़ना पड़ेगा, तो दो दो विधि हो गई, तो पशु काम संबंध जोड़ने से वाक्य भेद हो जाएगा। तथापि पशु काम संबंधात विधेयता वाक्यम अथैव उच्चेता, अब इस दोष को भी हटाते हुए से पूर्व पक्षी और नए ढंग से वाक्य बोलेगा, जो अभी दोष बताया इसको हटाने के लिए कुछ जोड़ देगा वो। तो अगर पूर्व पक्षी ये कहे, क्या रेवती शुकृते न वारवंती न, रेवती में किए गए वारवंती के द्वारा पशु काम हो यजेता, जो पशु की कामना वाला है वो यजन करे, तो पशु काम भी इसमें जोड़ लिया है इति, तो इसके ऊपर सिद्धांति बोला नैवम शक्यम, ये ठीक नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? रिगंतर प्रगाणात विशेष हानात वैगुण्यम स्यात, बोले रिगंतर का प्रगाण होने से, रिगंतर का मतलब है रेवती, भिन्न ऋचा, भिन्न रिक्त, भिन्न रिक्त कौन सी? रेवती शू, यहां पर रेवती अलग कही गई है, तो रिगंतर का मतलब है रेवती में, उसके गान से और विशेष हानात, विशेष का हान करने से, विशेष है मतलब पीछे वायव्यासु कहा था, वायु भी ये जो थी ऋचाएं उनका हान कर दिया, तो ऐसा करने पर वैगुण्यम साथ विगुणता हो जाएगी। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है ननु इदानी में उक्तम भवता, ये अभी तो आपके द्वारा कहा गया था, भवता जोड़ेंगे साथ में, ननु इदानी में उक्तम भवता शक्यते ही रेवतीषु वारवंतीयम कर्तुमिति, रेवतियों में वारवंतीय किया जा सकता है, तो सिद्धांति कह रहा है सती वचने शक्यम, ये वचन है इसलिए ये संभव है, असती वचने न वारवंतीय ग्रहणे न गृह्यंते, अगर वचन नहीं होता तो वारवंतीय के ग्रहण से भी रेवतियों का ग्रहण नहीं हो सकता था। पूर्व पक्षी वचनम तरही भविष्यति, तो ठीक है इसमें भी वचन मान लेंगे हम, कैसे? तो आगे बोल रहा है पूर्व पक्षी पशु कामो रेवतीषु वारवंतीयम अभिनिर्वर्तयेत, अभिनिर्वर्तयेत, तो पे रेफ की रेफ लगा लीजिए, जो पशु काम है वो रेवतियों में वारवंतियों को बनाए करे,
और ततो यजेत इति यजतिर अनुवाद, और उसके बाद यजेत आएगा और ये जो यजेत है ये यजेत इसका अनुवाद मान लिया जाएगा, तो वही कर्म हो जाएगा। इसके ऊपर सिद्धांत कह रहा था यदि वचनम रेवती शुवारवंती ये संबंधस्य, बोले अगर ये जो वचन है ये रेवतियों में वारवंतीय के संबंध को बता रहा है तो सिद्धम कर्मांतरम, इससे तो उल्टा वो कर्मांतर ही सिद्ध हो जाएगा। आप कर्मांतर से बचना चाह रहे थे, इससे तो वो कर्मांतर ही सिद्ध हो जाएगा। क्यों? न अग्निष्टुतो गुण विधि ही, क्योंकि यहां पर अग्निष्टुत की गुण विधि नहीं की जा रही है आपके मतानुसार, ये तो कर्म की गुण विधि की जा रही है। न अग्निष्टुतो गुण विधि, ये गुण की विधि अग्निष्टुत की नहीं है, ये रेवतियों में वारवंतीय को कहा जा रहा है। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु ततो यजेता इति यागानुवादत, यागेन अस्य अंग प्रयोजन संबंधो भविष्यति। एक नए ढंग से बात पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या कि तो हम ऐसा करेंगे कि यजेता इति, यजेता जो ये शब्द है इसमें याग का अनुवाद करके इससे यागेन अस्य अंग प्रयोजन संबंध, याग के साथ इसका अंग रूप में प्रयोजन सिद्ध कर देंगे, इसको उसका अंग मान लेंगे, इसको उसी याग को तो न मान करके इसको उसका अंग मान लेंगे, और अंग मानने से प्रयोजन वही रह जाएगा जो मुख्य का रहेगा। तो यागेन अस्य अंग प्रयोजन संबंधो भविष्यति, अंग का जैसे प्रयोजन होता है ऐसे इसको मान लेंगे। इस पर सिद्धांति कहता है नैवम शक्यम, बोले ये भी संभव नहीं है। क्यों? यागम प्रति अंग भावे विधि है, माने पशु कामम प्रति असंबंध, यदि इस या इसको याग के प्रति अंग रूप में कथन किया जाएगा, जो मुख्य याग है उसके प्रति अंग भाव का अगर आप यहां विधान मानोगे तो पशु काम के प्रति असंबद्ध हो जाएगा, क्योंकि पिछला वाला तो ब्रह्म वर्चस्व काम से जुड़ा हुआ था, तो अगर आप पशु काम को भी कहना चाहोगे, कहना ही पड़ेगा पशु काम को, अंग भाव है तो पशु काम भी कहना पड़ेगा, यदि अंग भाव का विधान करोगे तो पशु काम का विधान नहीं कर पाओगे, उससे संबंध नहीं होगा। और उभय संबंधे वाक्यम भिद्यते था, आप अंग भाव का भी विधान करोगे और पशु काम का भी विधान करोगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो विधियां हो जाएंगी। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है अथ याग संबंधो अनुवाद प्रकरण च अंगता, पूर्व पक्षी कहेगा कि एक ही विधान मानेंगे वाक्य से, तो क्या? बोले याग संबंधो अनुवाद, याग का जो संबंध है वो तो अनुवाद हो गया, पीछे से याग आ गया, और अंगता का कैसे पता लग रहा है? बोले प्रकरणे च, प्रकरणेन प्रकरणे प्रकरणेन च अंगता, अंगता का भाव तो हम प्रकरण से ही ले लेंगे, वाक्य से नहीं करेंगे। पशु के साथ में संबंध लेते हुए, पशु काम का संबंध लेते हुए याग का अनुवाद मान लेंगे, और अंग भाव का विधान इस वाक्य से नहीं मानेंगे। बोले अंग भाव तो प्रकरण से ही प्राप्त हो जाएगा, तो वाक्य से तो एक ही विधि हुई, इसलिए वाक्य भेद नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर सिद्धांत कह रहा है नेदम उपपन्नम, बोले ये तो संभव नहीं होगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बोले प्रकरण आदि वाक्यम वाक्यम बलवत्तरम, प्रकरण से तो वाक्य बलवान होता है। आप अंग भाव को किससे निकालेंगे? प्रकरण से निकालेंगे। पहले तो वाक्य से कहा था पूर्व पक्षी ने, दोष आने लगा तो कहा कि प्रकरण से निकाल लेंगे, अब अंग भाव वाक्य से भी प्राप्त हो रहा है और प्रकरण से भी प्राप्त हो रहा है, तो दोनों में से किससे प्राप्त करवाना होगा आपको? सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो वाक्य के बाद में प्रकरण आता है, प्रकरण दुर्बल है, तो प्रकरण से यदि अंग भाव आ रहा है और वाक्य से यदि अंग भाव आ रहा है तो वाक्य से आने वाला अंग भाव आपको मानना पड़ेगा, इसको छोड़ करके आप वाक्य भेद से बच नहीं सकते, तो फिर अंग भाव भी वाक्य से मानना पड़ेगा, तो वाक्य भेद होगा, दो विधियां हो जाएंगी। तो प्रकरणाधि वाक्यम बलवत्तरम तस्मात कर्मांतरम, इसलिए यह भिन्न कर्म ही है। अब इसको किस तरह से देख रहे हैं, तो कह रहे हैं याग गुणकम व रेवती शुवारवंतीयम और तद्गुणको व याग, आप याग गुण वाले रेवती रेवतियों में वारवंतीय को समझ लो, रेवती में जो वारवंतीय है वो याग गुण वाला है, या तो इस तरह बोलो, अथवा तद्गुणको व याग, तत् का मतलब है रेवतीशु वारवंतीयम, रेवतियों में वारवंतीय गुण वाला याग है, या तो याग गुण वाला वाली रेवतियों में वारवंतीय है, या रेवतियों में वारवंतीय गुण वाला याग है, किसी भी तरह करो। तो तत्र ऐसे में, तत्र का मतलब है यहां पर पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष की दृष्टि से याग पशु कामयोः संबंधस्य विधात्रीम यजतेः उपरितनीम विभक्तिम उपलभामहे लिंगम। तो यहां पर
याग पशु और पशु काम इन दोनों के संबंध का विधान करने वाली, पशु काम और याग इन दोनों के परस्पर संबंध का विधान करने वाली यजति के ऊपर जो विभक्ति मिल रही है वो लिंग हमें प्राप्त हो रहा है। यजेता तो यजति मतलब है यज धातु, उसके ऊपर यानी उसके बाद में आने वाली जो विभक्ति है, विभक्ति मतलब लिंग लकार के जो प्रत्यय आए हैं वो हमारे को मिल रही है। न तो रेवती वारवंती संबंध से विधायकम साक्षात किंचित उपलभ्यते, लेकिन रेवती और वारवंती के संबंध को बताने वाला साक्षात कोई प्रत्यय विधायक वचन हमें नहीं मिल रहा है। पशुकाम और याग के संबंध का विधायक वचन यानी लिंग तो हमें मिल रहा है यजेता में, लेकिन रेवती और वारवंती के संबंध का विधायक कोई वचन यहां पर मिल नहीं रहा है। तस्मात सर्व विशेषण विशिष्टो याग पशु काम से विधीयते, इसलिए इन सब विशेषणों से युक्त जो याग है वो पशु काम के लिए विहित किया जा रहा है। इति सिद्धम, ये सिद्ध होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सबको जोड़ करके एक ही प्रयोजन यहां पर निकाला गया है। जब जब ऐसा होगा तो अर्थैकत्व तो देखेंगे, ये प्रयोजन एक ही है, इन सब का प्रयोजन एक ही मान करके कथन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब इस पर पूर्व पक्षी फिर कह रहा है, अथ पुनर्विशिष्ट यागे विधीय माने तत् रेवतीषु वारवंतीयम कथम अग्निष्टोम साम भवती इति। बोले आपने विशिष्ट याग के विधेयमान करने पर कि आपकी शैली में इन सब विशेषणों से युक्त जो याग का विधान करेंगे उसके होने पर वह याग रेवतीषु वारवंतीयम, रेवतियों में जो वारवंतीय है वह अग्निष्टोम साम कैसे होगा, अग्निष्टोम से कैसे जुड़ेगा वो? अग्निष्टोम तो आपने लिया नहीं है शब्द, जबकि वहां पर वारवंतीयम अग्निष्टोम साम ये भी लिखा हुआ है, उससे कैसे जुड़ेगा? तो सिद्धांति कह रहा है उच्चते वचनात् अग्निष्टोम सामना कार्य भविष्यति। ये वचन से यानी अग्निष्टोम रूप जो अग्निष्टोम साम ये शब्द वहां पर पढ़ा गया है उस वचन से ही अग्निष्टोम साम के कार्य में ये होगा। यानी अग्निष्टोम साम अंत में बोला जाता है, उससे समापन किया जाता है, तो ये जो रेवती में वारवंती है वो अग्निष्टोम साम के कार्य में अर्थात वहां समापन वाले कार्य में प्रयोग किया जाएगा। कैसे? चूंकि यहां पर अग्निष्टोम साम शब्द पढ़ा हुआ है तो उच्चते वचनात् वचन से ही अग्निष्टोम साम के कार्य में ये लगेगा। जहां पर अग्निष्टोम साम किया जाता है उसकी जगह पर ये लगेगा। क्यों? किम इव ही वचनम न कुर्यात्, ऐसा क्या है जो वचन नहीं कर सकता है? किम इव, ऐसा कौन सी चीज है जो वचन नहीं कर सकता है? यानी वचन है तो वो तो सब कुछ कर सकता है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। नास्ति वचनस्य अतिभार, वचन के ऊपर कुछ अतिभार नहीं है कि इसको वो ढो नहीं सकता हो, इस चीज को जोड़ नहीं सकता हो। अतिभार का मतलब अतिरिक्त भार, कि जिसको हम ढो नहीं सकते। बोले वचनस्य नातिभार, वचन के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, वचन है तो वो सब कुछ कर देगा। किम इव वचनम न कुरिया, वचन क्या नहीं कर सकता है? यानी सब कुछ कर सकता है। वचनस्य नातिभार, वचन के लिए कोई अतिभार नहीं है। ये पंक्ति अनेक बार आएगी इसके अंदर, अनेक जगह पे आती है। अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरह का भाव था, लेकिन ये पंक्ति नहीं थी पूरी बिल्कुल, अभी कल वाले में ही था। तो कहा कि वचन है, बस वचन है तो बस वचन से हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वचन है इसलिए वचन से हो जाएगा। तो ये बहुत इसको जोड़ देते हैं, वचन का मतलब हो गया शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण आ गया तो बस अब कुछ आप नहीं कर सकते, आपके सारे तर्क एक तरफ, सारी युक्तियां एक तरफ, सारे अनुमान एक तरफ, और शब्द आ गया तो बस वही होगा, इतना बलवान है ये। किम इव वचनम न कुर्यात्, नास्ति वचन से अतिभार है, ये सुक्ति की तरह से है यहां पर, ये शैली में। आगे भी ये वचन आएंगे, थोड़े थोड़े अंतर से आएंगे, लेकिन बात ये की है इसके लिए तो कोई असंभव ही नहीं है। जब हम किसी के लिए कहते हैं ये तो सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, ऐसी क्या चीज है जो ये नहीं कर सकता? इसके लिए कोई चीज जोर नहीं है, ये तो हर काम कर सकता है। तो किमें भी वह वचन हम ना कुरिया तो वचनस्य नाति भार रहा। पूछिए, यहाँ पर वचन को हेतु दे रहे हैं तो वचन तो सारे ही वचन ही है, तो इसी में क्या विशेष है जो इसको वचन से कह रहे हैं? इसी को नहीं,
सभी वचनों के लिए लागू होगा, क्योंकि यहां पर अग्निष्टोम साम लिखा हुआ है, इसकी कोई अलग से तो ये कथन नहीं किया ना, क्योंकि पूर्व पक्षी ने पूछा था कि ये रेवतीशु बारामंती है, ये अग्निष्टोम साम की कार्य में लगेगा, जहां अग्निष्टोम साम कार्य करता है उसी जगह ये भी लगेगा, ये तो यहां कहा नहीं गया है। बोले भले ही नहीं कहा गया हो लेकिन अग्निष्टोम साम शब्द तो पढ़ा गया है, अग्निष्टोम साम शब्द पढ़ा गया है, बस इतने से ही वो सिद्ध हो जाएगा, इतना संकेत बहुत है, ये सब कुछ कर लेगा, इससे सब अर्थ निकाले जा सकते हैं, वो सब अर्थ निकाले जा, ये उससे जुड़ा हुआ है, उसके कार्य में लगेगा, केवल इसके लिए नहीं है। जैसे कि हम एक तो एक प्रयोग करते हैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष है तो फिर उसमें और क्या प्रमाण है, यानी प्रत्यक्ष हो गया तो अब और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी और प्रमाण से उसको पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष है, आप मेरे सामने बैठे हुए हो, बोले सिद्ध करो, अरे भाई प्रत्यक्ष है, बोले नहीं इसमें अनुमान प्रमाण लाओ और इसके लिए शब्द प्रमाण लाओ, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, हस्ता मलक बताए हाथ में आंवला है, रखा है हाथ में आंवला, हस्तामलकवत बोलते हैं ना, एक हाथ में आंवले के समान, आंवला कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, हाथ में रखा है और पास, हाथ भी तो दूर नहीं जा सकता हमारा, पास में ही है, कितना ही दूर कर लो, तो हाथ में हथेली में जैसे आंवला रखा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसे ये बोले ये बात तो एकदम सरल है, हस्तामलकवत है, एकदम स्पष्ट है, प्रमाणित है, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। तो ऐसे ही शब्द प्रमाण के लिए भी बहुत होता है, शब्द में कह दिया तो बस अब कोई बात नहीं है, ईशावास्यमिदम सर्वम, जब लिख दिया है कि सब जगह ये परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा सब में व्यापक है, ये सारा संसार उससे व्याप्त है, तो अब चाहे कितने ही तर्क से कोई करे, वचन कह दिया तो बस यही है, किमि वे वचनम ना कुरियात नास्ति वचनस्य आति भारः। आगे अथ ये दुक्तम, और जो आपने ये कहा था, यानी सिद्धांति पूर्व पक्षी के उस एक बचे हुए आक्षेप को यहां पर उठा करके समाधान कर रहे हैं, क्या एतस्यैव इति अनंतरापेक्षम वचनम, वहां जो एतस्य एक शब्द आया था उसको लेकर के कहा था, और उसमें पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये जो एतस्य शब्द है, एतस्यैव ये पूर्व का परामर्श है, तो एतस्यैव इति ये जो वचन है एतस्यैव, ये अनंतरापेक्षम वचनम, अनंतर यानी पूर्व वाले की अपेक्षा से कहा जाता है, सर्वनाम है, सर्वनाम विशेषण है, तो पीछे जो कहा गया उसी को संबद्ध को ही तो कहेगा, इसी का मतलब जो पहले कुछ कहा गया है, तो ये बड़ा प्रबल प्रमाण था कि जिसके आधार पर पूर्व पक्षी ये सिद्ध कर सकता है, और हम लोग भी करते ही हैं, जब ये आ गया तो नहीं ये नया कर्म नहीं है, ये पिछले कर्म से ही जुड़ा हुआ है, एतस्यैव इतना प्रबल है ये, उसके ऊपर ये टिप्पणी कर रहा है, एतस्यैव इति अनंतरापेक्षम वचनम, ये तो पूर्व पक्षी ने कहा था, तो उसका उत्तर दे रहे तत्रापि अविरोधात एतत् धर्मकस्य इति लक्षणा शब्दो भविष्यति, तो कह रहे हैं कि एतत् धर्मकस्य अविरोधात, इस धर्म वाले मतलब रेवतीशु वारवंती ये जो धर्म कहे गए, इस धर्म वाले से अविरोध होने के कारण से, इससे उसका कोई विरोध नहीं है, लक्षणा शब्दो भविष्यति, ये जो एतस्यैव है ये अब लक्षणा में घटेगा, अभिधा में नहीं ले सकते इसको, एतस्यैव अभिधा से तो पूर्व कर्म का ही परामर्शक है, अनंतर का ही कहने वाला है, लेकिन चूंकि यहां पर इस धर्म वाले याग का विधान स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, अब एतस्यैव अपने मुख्य अर्थ को नहीं कहेगा, लक्षणा से कहेगा, जिसको अब नए कर्म को कह रहा है उसी को ही एतस्यैव से कहेगा, पूर्व वाले को नहीं कहेगा, तो कहा तत्रापि अविरोधात एतत् धर्मकस्य लक्षणा शब्दो भविष्यति तस्मात् न गुणात् फलम्, इसलिए गुण से फल नहीं है, कर्मांतरम एव धर्मकम इति, एवं धर्मकम इति, ये कर्म इस धर्म वाला ये कर्मांतर है, तो इस प्रकार सिद्धम समेषु एवं जाति एकेषु कर्मयुक्तम फलम इति, इस प्रकार ये सिद्ध है कि समान इस प्रकार के समान वाक्यों में भी कर्मयुक्त फल होगा, गुण से फल नहीं होगा, इसमें जो लिखा है कर्मांतरम एवं धर्मकम इति, तो यहां इति के बाद जो पूर्ण विराम है उसकी जगह अल्प विराम ले लीजिए, इति सिद्धम आगे से जुड़ेगा ये, तो इस प्रकार इति बारबंती आदि नाम कर्मांतरता अधिकरण, बारबंती की कर्मांतरता का अधिकरण समाप्त होता है। इसमें देखिए एतस्यैव के ऊपर युधिष्ठिर जी ने भी बात को लिखा है,
एतस्यैव, इसको पृष्ठ 516 पर आगे लिखा हुआ इन्होंने रेखा के नीचे हिंदी में, एतस्यैव इति अनंतरापेक्षम, ये पूर्व पक्षी के आरंभ में उक्त अपी च एतस्यैव इति विस्पष्टम अकर्मांतर वचनम, इस वचन का अर्थतः अनुवाद है, अर्थात वो जू की तू पंक्ति नहीं है लेकिन उसी अर्थ को कहने वाली पंक्ति है। एक तो होता है शब्दशः अनुवाद, जू का तू फिर से कहना, एक होता है अर्थतः अनुवाद, यानी उसी तात्पर्य को कहने वाला है लेकिन शब्दों में थोड़ा भेद होता है, अर्थतः अनुवाद है। इसके उत्तर में एतस्य लक्षणा शब्द को शब्दो भविष्यति कहकर एतस्य की अनंतरापेक्षता का प्रत्याख्यान किया है, वैसे अनंतरापेक्षी ही होता है। आगे मीमांसा इतने 2-3-26 सूत्र के भाष्य में सिद्धांत पक्ष में कहता है सन्निहितस्य प्रतिनिर्देशक एष एतया शब्दः, एत शब्द से सन्निहित का परामर्शक है, खुद भी मानते हैं भाष्यकार भी, लेकिन इस विरोध का और लोक प्रसिद्ध सर्वनाम शब्दों की पूर्व परामर्शता के परित्याग का कारण यह है कि कर्मांतर के सिद्ध हो जाने पर एतस्यैव वचन को पूर्व परामर्शक नहीं मान सकते, इसलिए यह उत्तर सर्व विशेषण विशिष्ट विहित याग को ही लक्षणा गौण रूप से कहेगा। एतस्य किसको कह रहा है, अब पूर्व का परामर्शक न होकर के इन सब विशेषणों से विशिष्ट जो याग है उसी को कहेगा और ये लक्षणा से कहेगा, क्योंकि अभिधा वहां पर घट नहीं रही है, विरोध आ रहा है, इसलिए लक्षणा असंभव होने पर लक्षणा पे जाना ही पड़ेगा। तो एतस्य के आधार पर ये निर्णय नहीं कर सकते, अड़ नहीं सकते कि ये पिछले वाले से ही संबद्ध है, नया कर्म नहीं है। एक विशेष बात कही जा रही है, हम इस पर बहुत अड़ जाते हैं कि नहीं एतस्य कहा गया इसका मतलब है तो पहले का ही परामर्शक है, जब अन्य चीजों से सिद्ध हो रहा है कि यह नया कर्म है तो एतस्य भी नए कर्म का ही लक्षणा से वाचक बनेगा। निर्दिष्ट जी में यही बात स्वीकार करिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणवतम ओ सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।